दोस्तों स्लेवरी यानी कि गुलामी दुनिया के इतिहास का काला सच है। दोस्तों उस समय ये पूरी दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ था, जिसमें ब्लैक स्लेवरी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि कॉलोनियल एरा में यूरोप ने अफ्रीका में ब्लैक लोगों को काम कराने के उद्देश्य से उनको गुलाम बनाया था। दरअसल ये ब्लैक लोग नॉर्मल इंसानों से ज्यादा लंबे चौड़े होते थे, जिस कारण ये भारी भरकम कामों को आसानी से कर लेते थे, और इसी टाइम पीरियड में इन ब्लैक लोगों को अमेरिका में लाया गया था। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब यूरोप के व्हाइट लोगों को गुलाम बनाकर मध्य एशिया में बेचा जाता था, और दोस्तों इसी को व्हाइट स्लेवरी कहते हैं। दोस्तों उस समय यूरोप की खूबसूरत लड़कियों और बच्चों की डिमांड मध्य एशिया में बहुत थी। दोस्तों ये बात है 13वीं शताब्दी की, जब ऑटोमन एम्पायर का उदय हुआ था, और उस समय तुर्कों ने यूरोप के लोगों का जीना हराम कर रखा था। दोस्तों इन तुर्कों ने यूरोप पर इतने आक्रमण किए कि जिनका हिसाब रखना भी मुश्किल है। इन्हीं हमलों में वो यूरोप की महिलाओं और बच्चों को उठा लाते थे और उनको गुलाम बनाकर अपनी बाजारों में बेचते थे। दरअसल ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान भी इन व्हाइट गुलामों को बहुत पसंद करते थे, और इसीलिए इन सुल्तानों के हरम में 80-90% यूरोपियन लड़कियां हुआ करती थी। और यही नहीं, ऑटोमन एम्पायर के अलावा वहाँ के जो अमीर लोग थे वो भी अपना काम और अपने शौक के लिए इन खूबसूरत लड़कियों को अपने घर में रखते थे। दरअसल उस समय ऑटोमन एम्पायर में व्हाइट यूरोपियन स्लेव्स रखना अपने आप में एक रुतबे की बात थी, और जो जितना अमीर होता था वो उतनी ही ज्यादा लड़कियों को गुलाम बनाकर अपने घर में रखता था। दोस्तों उस समय सामान बेचने के लिए जिस तरह से बाजार लगता था, उसी तरह इन व्हाइट लड़कियों को बेचने के लिए बाजार लगता था, और बेचे जाते समय खरीदार उन लड़कियों को खरीदते समय चेहरे के साथ साथ कपड़े उतार कर भी देखता था, क्योंकि वो जिस गुलाम को खरीद रहा है वो कितनी खूबसूरत है उसका सारा जायजा लिया जा सके, और जिसके पास जितनी खूबसूरत गुलाम लड़कियां होती थी उसके उतने ही चर्चे होते थे, और जो खूबसूरत नहीं थी या उनके बच्चे हो चुके थे उनको वेश्यालय में डाल दिया जाता था। पर दोस्तों ऐसा नहीं था कि ऑटोमन एम्पायर ब्लैक लोगों को गुलाम नहीं बनाते थे, वो इन ब्लैक लोगों को भारी भरकम काम करने के लिए रखते थे, और इसीलिए ये थर्ड क्वालिटी के गुलाम माने जाते थे। पर दोस्तों इन सब बातों के बावजूद ऑटोमन एम्पायर में गुलामों की हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितनी की 18वीं सदी में अंग्रेजों ने अफ्रीकन्स की। पर दोस्तों धीरे धीरे समय बदला और 18वीं और 19वीं सदी में आधुनिकीकरण के कारण गुलामों की जरूरत कम पड़ने लगी और उसकी जगह मशीनों ने ले ली थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप के कई देशों ने स्लेवरी पर कानून बनाना शुरू कर दिया और उसको रोकना शुरू कर दिया, और 20वीं सदी आते आते हमारी दुनिया से स्लेवरी समाप्त हो गई। वैसे दोस्तों आपको अगर उस समय में जाने का मौका मिले तो क्या आप उन व्हाइट स्लेव्स को खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।